हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी गॉर्जियस। मैं हूं निधि और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं अपनी प्रोडक्ट एम्पिटीज। कौन से प्रोडक्ट है जो कि मैंने अब फिनिश कर दिए हैं और दोबारा उन्हें मुझे खरीदना है या नहीं, यही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं। इससे पहले 7-8 महीने पहले भी मैंने इसी तरह की एक वीडियो आपके लिए अपलोड की थी, तो तब भी इनमें से कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि मैं उस टाइम यूज कर रही थी बट वो पूरी तरह से फिनिश नहीं हुए थे, लेकिन अब खत्म हो चुके हैं। तो जितनी भी चीजें मैं आपको दिखा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने उनको 1 या 2 महीने में खत्म कर दिया है। नहीं यार, ऐसा नहीं है, पूरा 1-1.5 साल हो चुका है। कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो कि 1-1.5 साल लग गया है उनको खत्म करने में। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि वो क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या है, क्योंकि धीरे 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 प्रोडक्ट खत्म होते रहते हैं और मैं उनको रखती रहती हूँ। जैसे कोई प्रोडक्ट अभी 4 महीने से रखा है, कोई प्रोडक्ट अभी 2 महीने से रखा है, तो इस तरह से ये सारी चीजें करीब मतलब 7-8 महीने से रखी हुई है दोबारा से, क्योंकि थोड़ी थोड़ी जैसे खत्म होती रहती है मैं उनको रखती रहती हूँ ताकि मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ कि वो मुझे कैसी लगी है। और इनमें से बहुत सी चीजें ऐसी भी है जो कि मैंने परचेज कर ली है और उन्हें मैं करंटली यूज कर रही हूँ जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और ये आप देख सकते हैं कितनी सारी चीजें हैं। ये सब मैंने इस नायका के, मेरे पास एम्प्टी बॉक्स था तो मैंने उसके अंदर सारी चीजें रख ली थी, मतलब मैं स्टोर करती रहती हूँ, तो मैं उसी में आपके साथ आपको दिखा रही हूँ कि क्या क्या चीजें हैं। तो चलिए फर्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ, ये है मामा अर्थ का उपटन बॉडी बटर। ये मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में मैंने आपको बता रखा है, ये बहुत अच्छा है, इसे तो मुझे रिपर्चेज जरूर ही करना है, लेकिन मैं इसको विंटर्स में रिपर्चेज करूंगी क्योंकि मुझे नहीं लगता ये गर्मियों में जाएगा, क्योंकि मेरी स्किन काफी ऑयली है और अभी भी इसमें है, आप देख सकते हैं थोड़ा सा इसमें है नीचे, तो इसको मैं करंटली अभी यूज कर रही हूँ, पूरी तरह से एम्प्टी नहीं है। बहुत अच्छा है अगर आप चाहते हैं इसको लेना, ड्राई स्किन है आपकी और गर्मियों में भी ड्राई रहती है, तो आप इसे डेफिनेटली आप इसको परचेज कीजिए। स्किन को क्लियर कर देता है, बहुत अच्छे साफ करने का काम करता है। और पहले मैं आपको सारी स्किन केयर की चीजें दिखा रही हूँ, तो और दूसरा है ये मॉर्फिन डायबिटीज का नीम टीट्री एंड बासिल फेस वॉश। अगर पिंपल से परेशान है तो आप इसे डेफिनेटली यूज कर सकते हैं और मैं इसको जरूर लेने वाली हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मुझे ये ब्रेकआउट्स हो गए हैं तो इसीलिए मैं इसको लेने वाली हूँ, ये बहुत अच्छा है। तो सेकंड मैंने ये फिनिश किया है और फेस वॉशेस बहुत सारे मिल जाएंगे आपको मेरे पास। और नेक्स्ट है ये एक मामा अर्थ का फेस वॉश है और एक है ये बायोटिक का बायो पपाया फेस वॉश। दोनों ही फेस वॉश काफी अच्छे हैं, दोनों की वीडियो अपलोडेड है, चाहे तो देख सकते हैं, काफी अच्छे फेस वॉशेस हैं। ये वाला फेस वॉश भी बहुत अच्छा है, मामा अर्थ के प्रोडक्ट बहुत अच्छे आते हैं तो ये वाला फेस वॉश भी काफी अच्छा है। अभी मैं इसको परचेज नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मेरे पास नीम के और भी फेस वॉशेज हैं, पहले मुझे उन्हें फिनिश करना है। और एक है ये बायो पपाया, अगर आप ऑयली स्किन वाले हैं, स्क्रबिंग नहीं करते हैं या स्क्रबिंग करने से आपको पिंपल्स आ जाते हैं, तो आप इस तरह के फेस वॉश यूज कर सकते हैं और ये वन ऑफ द बेस्ट फेस वॉश है जिसके अंदर स्क्रबिंग पार्टिकल्स भी है, काफी अच्छा है। तो ये दोनों फिनिश हो चुके हैं मेरे। और नेक्स्ट है VLCC का हल्दी एंड तुलसी फेस वॉश। ये फेस वॉश भी काफी अच्छा है बट मैं इसको रिपर्चेज नहीं करने वाली हूँ क्योंकि फेस वॉश अच्छा है लेकिन इसके अंदर से हल्दी की इतनी ज्यादा तेज स्मेल आती है कि वो मुझे बर्दाश्त नहीं होती है। मतलब हो सकता है बहुत से लोगों को अच्छी लगती हो बट मुझे ना वो पता नहीं क्यों मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ, बहुत अजीब सी लगती है मुझे, तो मैं इसे परचेज नहीं करने वाली हूँ। और अच्छा फेस वॉश है, अगर आपको हल्दी की स्मेल अच्छी लगती है तो आप इसे परचेज कर सकते हैं, काफी अच्छा है। और नेक्स्ट है ये मेरे पास निविया का फेस वॉश। इसने कुछ ऐसा खास काम नहीं किया है कि मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा हो, और बाहर की आवाजों को आप प्लीज इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि ये बंद नहीं होती है, आती रहती है, यहाँ बहुत सारे सब्जी वाले हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये निविया का फेस वॉश है, ये तो बल्कि पूरी तरह मैंने खत्म भी नहीं किया है, आप देख सकते हैं ये इतना अच्छा नहीं है, इतने अच्छे से ना फेस साफ नहीं करता है, मुझे इतना पसंद नहीं आया तो इसको परचेज मैं नहीं करूंगी। और नेक्स्ट फेस वॉश खत्म हो चुकी है, इतने फेस वॉश यूज किए हैं क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही यूज करते हैं। और नेक्स्ट है ये निविया का शेयर स्मूथ, ये बहुत अच्छा है लेकिन ये विंटर्स के लिए है, तो नेक्स्ट विंटर में इसे परचेज करना है। और अगर आपकी ड्राई स्किन है, बहुत ज्यादा ड्राई नहीं है, तो ये आप पे बहुत अच्छे से काम करेगा, बहुत ही अच्छा है। तो नेक्स्ट ये खत्म हो चुका है। और उसके अलावा नेक्स्ट मैंने खत्म किए हैं ये दोनों शैम्पू, ये आप देख सकते हैं, ये वाला तो अभी भी चल रहा है क्योंकि इस वाले शैम्पू को मैं रेगुलरली यूज करती हूँ, इससे डैंड्रफ भी नहीं आता है, हेयर फॉल भी नहीं होता है। आप ये देख सकते हैं ये पूरा पिचका हुआ है, ये दोनों मैंने यूज किए हैं, काफी अच्छे शैम्पू है। हेयर फॉल की प्रॉब्लम है या फिर डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो आप लॉरियल की तरफ जा सकते हैं, और इन्हें तो परचेज मैं करती रहती हूँ उनके साथ, ऐसा नहीं है कि मेरे अभी लेना है, ये ऑलरेडी मेरे पास है। और नेक्स्ट बात करूं अगर मैं टोनर की, तो मेरे पास है ये प्लम का टोनर जो कि मैंने खत्म कर दिया है, काफी बड़ी बोतल आती है
आपका बहुत चल जाता है और ये बहुत ही अच्छा टोनर है, मतलब ऑयली स्किन के लिए काफी अच्छा टोनर है, बिल्कुल भी चिपचिप सा ये नहीं करता है। गर्मियों में मुझे थोड़ी सी चिपचिप लगती है, लेकिन ये अच्छा टोनर है, हो सकता है मुझे लगती हो लेकिन आप लोगों को ना लगे, अच्छा टोनर है। तो इसे भी मैं परचेज करूंगी, लेकिन मैं इसको परचेज करूंगी जब सेप्टेम्बर आ जाएगा, क्योंकि गर्मियों में मुझे ये हल्का सा चिपचिप लगता है, तो इसलिए मैं इसको जब परचेज करने वाली हूँ, इसलिए मैं इसको परचेज नहीं किया है। लेकिन ये बहुत अच्छा टोनर है, अगर आप चाहते हैं तो ये बेस्ट है, बहुत अच्छा है। और नेक्स्ट है मेरे पास ये दो बेबी प्रोडक्ट्स हैं, ये बायोटिक का है, बायो बासिल एंड सैंडलवुड पाउडर। ये पाउडर बहुत अच्छा है, मैंने अभी आपको दिखाया भी था, मैं अपनी बेटी को यूज करती हूँ, और इसमें ना एक प्रिंसेस वाला आता है, आई थिंक डिज्नी प्रिंसेस वाला है, मैंने उसके लिए मंगा के रखा हुआ है वाला, तो ये वाला खत्म हो गया है, तो मैंने यही वाला वेरियंट मंगवाया है, लेकिन बेबी में बेबी प्रोडक्ट्स में मंगवाया है। तो ये पाउडर बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी मतलब इसकी ओवर पावरिंग स्मेल नहीं है इसकी, बहुत ज़्यादा अजीब सी और बहुत ही हल्का सा है और बहुत अच्छी स्मेल आती है। इसे तो आप सब यूज़ कर सकते हैं, बट आई डोंट नो कि वो बेबी वाला बड़े लोग यूज़ कर सकते हैं नहीं, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बाकी ये काफ़ी अच्छा है और इसकी इसमें क्वान्टिटी काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। ये मेरा 7-8 महीने चला है, मैंने इसको अगस्त में मंगवाया था और ये अभी तक मेरा चला है, और आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही ज़रा सा रह गया है, मैंने नेक्स्ट भी मंगवा लिया है। मैं आपके साथ एक नाइका हॉल भी शेयर करने वाली हूँ, उसमें मैं आपको दिखाऊंगी, और मैंने काफी नई नई चीजें भी मंगवाई हैं जो कि न्यू लॉन्चेस हैं, और एक ये है बेबी बायोटिक का शैम्पू, ये भी बहुत ही जरा सा रह गया है, खत्म हो गया है। अच्छा शैम्पू है ये, बच्चों के बालों को बहुत अच्छे से सॉफ्ट कर देता है। अगर आप अपनी बेबी गर्ल के लिए कोई शैम्पू चाहते हैं तो आप इसको एक बार ट्राई करके देखिए, काफी अच्छा शैम्पू है, मैं अपनी बेटी पे यूज किया है ये, और मैं नेक्स्ट भी इसको मंगवाया है। और नेक्स्ट है ये मेरे पास दो एलोवेरा जेल, ये है वाओ का एलोवेरा जेल और ये है लैक्मे का एलोवेरा जेल। ये एलोवेरा जेल बहुत अच्छा है और मतलब इसकी स्मेल बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बिल्कुल नॉन स्टिकी है। अगर आप ऑयली स्किन वाले ना तो इसे एक बार ट्राई करके देखिएगा, और वाओ का एलोवेरा जेल भी बिल्कुल नॉन स्टिकी है, इसे भी अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। और इसमें तो वैसे भी 99% प्योर एलोवेरा होता है, कोई कलर नहीं होता, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, इसके अंदर कलर होता है, बट मुझे बस इनमें एक ही चीज़ लगती है कि ये मतलब ये है 300 रुपीज़ का, डिस्काउंट में आपको मिल जाता है 230 तक में आपको मिल जाएगा, और ये है 200 रुपीज़ का, इसमें क्वांटिटी सिर्फ 50 ml मिलती है और इसमें आपको मिल जाती है 130 ml। तो अगर आप इन दोनों में लेने का सोचते हैं तो आप इसे ले लीजिए, अगर आप मतलब ऐसा स्मेल का इतना वो नहीं है कि भाई मुझे अच्छी सी फ्रेग्रेंस चाहिए तो आप इसे ले सकते हैं, इसमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। तो आप देख सकते हैं खत्म हो गया है, मैंने इसको फेस पे कम लगाया है, मैंने इसको शैम्पू में ऐड करके लगाया है, और गाइज यकीन मानिए ये अगर आप एलोवेरा जेल शैम्पू में यूज़ करते हैं ना, डालने के बाद जब आप अपने शैम्पू लेते हैं थोड़ा सा एलोवेरा जेल मिक्स कर लीजिए, आपके बाल इतने ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, एक बार करके देखिएगा, ऐसा नहीं है कि बार बार मैं लगाने को कह रहा हूँ, लेकिन एक बार आप यूज़ करके देखेंगे आप दोबारा ज़रूर लगाएंगे। तो ये तो मैंने इसी तरह से ख़त्म किया है, और इसे मैंने ज़्यादातर फेस सीरम्स बनाए हैं, तो ये दोनों बहुत अच्छे हैं, और इसे मैंने दोबारा परचेस कर लिया है, मेरे पास है, बट इसे मैं अभी नहीं परचेस करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास मामा अर्थ का भी रखा है तो मुझे वो यूज़ करना है, उसको अब मैं करंटली उसको अपने बालों के लिए यूज़ कर रही हूँ। और आप मेरे बाल देख सकते हैं, और बालों के लिए मैं आपको भी बताने वाली हूँ कि मैं क्या एक नई चीज़ यूज़ कर रही हूँ, उसकी वीडियो भी बहुत जल्दी आ जाएगी, क्योंकि आप मेरे बाल देख सकते हैं कितने सॉफ्ट हो गए हैं, और बिल्कुल यार झड़ने तो बिल्कुल ही बंद हो गए हैं, यू कैन सी बिल्कुल मेरे बाल झड़ते नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, वीडियो मैं 2-4 दिन में आपके लिए अपलोड कर दूंगी। और नेक्स्ट है ये हिमालय का एंटी डैंड्रफ हेयर क्रीम, अच्छी हेयर क्रीम है, मतलब कि अगर आप कोई अफोर्डेबल चीज़ चाहते हैं, क्योंकि मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है लॉरियल का हेयर मास्क के ऊपर है, और वो मेरी वीडियो बहुत अच्छी जा रही है, थैंक यू, आप लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। तो आप इस वाले के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ ना, अगर आप उसमें मुझे कमेंट आते हैं कि ये बहुत कॉस्टली है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ये भी अच्छा है, मतलब ये बहुत ही अफोर्डेबल है, ये तो आई थिंक 80 रुपीज़ का, और आपको ना इस पे भी डिस्काउंट मिल जाएगा, ये आपको 56 रुपीज़ से मिल जाएगा, और इस पे 3-4 वेरिएंट आते हैं, आप चाहे तो इसे यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। मैंने तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल मैंने इसको धो के बांझ के रखा हुआ है, बिल्कुल मैंने एक दिन लगाया था इसको, तो मैंने हाथों इसको वॉश भी कर दिया था। और ये वाला टब आपका ना, आप इसको 3 बार लगा सकते हैं, मैंने इसको 3 बार लगाया है, ये काफ़ी टाइम से मेरे पास पड़ा हुआ है, क्योंकि ये बहुत पहले मैंने ले लिया था, मैं आपको ये इसलिए रखा हुआ है मैंने कि मैं आपको बता सकूं कि अगर आप अफोर्डेबल कोई चीज़ चाहते हैं तो आप इसे ले सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली है, काफ़ी अच्छा है, मतलब ऐसा नहीं है कि यार आप महंगी चीज़ें ही लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहेंगी, थोड़ा सा मतलब ये तो हिमालय का है और हर्बल है तो आप ले सकते हैं इसको, काफ़ी अच्छा है।
इसके अलावा मेरे पास है ये गार्नियर का माइसेलर वाटर, इसके बारे में कोई बात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मेरे पास ऑलरेडी रखा हुआ है, मैंने मंगवाया था आपको दिखाया था, बहुत अच्छा है ये। अगर आप चाहते हैं इसको लेना तो आप ले सकते हैं, सारा मेकअप आराम से उतार देता है। और ये है बायोटिका बायोडेंडेलियन सीरम, यू कैन सी इसकी मैं ऑलरेडी, ये मेरी सेकंड परचेज थी, इसे मैंने खत्म कर दिया और थर्ड मैं अभी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये सबसे अच्छी बात है कि ये पॉकेट फ्रेंडली है, छोटा है, 230 रुपीज़ में आता है और आई थिंक इस पर भी आपको डिस्काउंट मिल जाता है बायोटिक पे, और काफ़ी अच्छा है, चिपचिप बिल्कुल भी नहीं करता है, बिल्कुल भी ना नॉन स्टिकी है, बहुत अच्छा है, मतलब मुझे अच्छा लगता है ये, तो मैं इसीलिए किसी और सीरम की तरफ अभी नहीं जा रही हूँ, तो मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। तो ये है, इसे मैंने मंगा भी लिया है। और नेक्स्ट है ये निविया की हैंड क्रीम, और आप इसकी हालत देख सकते हैं, ये मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई है कि मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि मैंने इसको कितनी बुरी तरह, इसमें से ना एक बूंद भी नहीं निकलेगी, चाहे मैं इसको कितना भी इस टाइम स्क्वीज कर लूं बट इसमें से नहीं निकलेगी। और ये अच्छी क्रीम है, मतलब कि आपको इसको बार बार अप्लाई तो करना पड़ता है, मैं ये बोलूँगी आपको, आप जब भी हैंड वॉश करेंगे आपको अप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि हैंड्स आपके ड्राई हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप एक एवरेज और एक कहना चाहिए एक अफोर्डेबल चीज़ चाहते हैं तो आप इस क्रीम की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि हैंड क्रीम्स काफ़ी कॉस्टली आते हैं, आई थिंक 300-350 से कम तो कोई भी हैंड क्रीम आपको मिलेगी ही नहीं, तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं, अच्छी क्रीम है। इसमें काफ़ी सारे वेरियंट आते हैं, आई थिंक 4 वेरियंट्स आते हैं और ये काफ़ी कम प्राइस में 90 रुपीज़ में है, और अब तो इस पर डिस्काउंट भी आने लगा है क्योंकि ये प्रोडक्ट थोड़ा सा पुराना हो गया है तो डिस्काउंट आने लगा है। और इसके अलावा ये है बायोटिक की बायो मिल्क क्रीम, ये बेबी क्रीम है, अपने बेबी के लिए कोई क्रीम चाहते हैं आप तो इसे ले सकते हैं, मैंने इसको दोबारा परचेज कर लिया है, बहुत अच्छी क्रीम है। और ये जो हैंड क्रीम है इसको मैं सर्दियों में दोबारा परचेज करने वाली हूँ, बहुत अच्छी है। ये है लैक्मे की पीच मिल्क सॉफ्ट क्रीम, इसे मैं परचेज नहीं करूँगी क्योंकि मेरी स्किन पे थोड़ी सी थिक रहती है तो मुझे थोड़ी हैवी लगती है, इसलिए मैं इसको परचेज नहीं करने वाली हूँ। वैसे ये अच्छी क्रीम है, अगर आप चाहते हैं ड्राई स्किन है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छी क्रीम है, मतलब कोई ऐसा बेकार प्रोडक्ट ये नहीं है, बस मुझे थोड़ी हैवी लगती है, मैं इसलिए इसे परचेज नहीं करने वाली हूँ। मुझे इसके अलावा पॉन्ड्स की क्रीम ज़्यादा अच्छी लगती है, जो पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र है वो बहुत ही लाइट है, और अब मैंने एक जेल मॉइस्चराइज़र मंगवाया है वो मैं आपको बताऊँगी किस तरह का है। और नेक्स्ट है मेरे पास ये मेबलिन का कलर शो नेल रिमूवर, इसे भी मैं दोबारा नहीं मंगवाने वाली हूँ, इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मतलब कि वन स्वाइप में आपकी नेल पेंट हटाता है, पर इसमें क्वान्टिटी आपको बहुत कम मिलती है, ये आपको 90 रुपीज़ में सिर्फ 30 ml मिलता है, और यार 90 रुपीज़ में आपको कलर बार का मिल जाएगा जिसमें कि आपको 110 ml क्वांटिटी मिलती है, तो मैंने वो वाला मंगवाया है। तो इसमें ना मुझे ऐसा लगता है प्रोडक्ट अच्छा है लेकिन प्राइस वाइज ये थोड़ा सा महंगा है, लेकिन क्वालिटी अच्छी है, अगर आप चाहते हैं ट्राई करना तो आप ट्राई कर सकते हैं, फ्रेग्रेंट फील नहीं करेंगे। और नेक्स्ट है ये, इसके बारे में नहीं बोलूँगी मैं, बायोटिक की विंटर ग्रीन क्रीम, ये तो मैंने बहुत सारी यूज़ कर ली है और अभी मैं करंटली भी यूज़ कर रही हूँ, बल्कि ये मेरी सिर्फ अकेली नहीं है, आपको अभी मेरी ड्रेसिंग पे आपको 2 मिल जाएंगी जिसमें से कि एक बिल्कुल खाली हो चुकी है, उसमें मैंने कुछ सीरम वगैरह बना के रखा है और एक मैंने निकाल लिया, तो ये मैं बहुत यूज़ करती हूँ, ये आप देख सकते हैं मेरे बिल्कुल मार्क्स ना फेड हो जाते हैं, एकदम बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अगर आपको मार्क्स की प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ इसे यूज़ कीजिए। और प्लस मुझे एक कमेंट आया था कि क्या हम इसको नाइट क्रीम के रूप में यूज़ कर सकते हैं, ऐसे नाइट क्रीम तो आप नाइट क्रीम के रूप में इसे यूज़ मत कीजिए, ये कोई नाइट क्रीम नहीं है, ये पिंपल्स के मार्क्स को ठीक करने की क्रीम है, तो आप पिंपल्स पे ही लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ वो बात हो रही है कि आपके पूरे फेस पे काफ़ी मार्क्स हो गए हैं या बुरी तरह वाले पिंपल्स हो गए थे तो आप ऐसे मतलब नाइट क्रीम इसको लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं यही बोलूँगी कि आप आईज वगैरह से बचा के इसको लगाएं और पिंपल्स के मार्क्स पर ही लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है, वो इस पर भी लिखा हुआ है, पूरे फेस पे आप मत लगाइए यार, बिना बात से क्यों लगाना, क्योंकि इससे थोड़ी सी ना टिकलिंग भी होती है। नेक्स्ट है मेरे पास ये बायोटिक की बायो कोकोनट क्रीम, और ये क्रीम बहुत अच्छी है, इससे मेरी बेटी ने यूज़ किया है, इसकी स्मेल मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत से लोग बताते हैं क्रीम अच्छी नहीं है, आप देख सकते हैं पूरी खत्म हो चुकी है, और ये मेरी बेटी ने ही लगाई है, उसे बहुत अच्छी लगी है ये, लेकिन ये विंटर्स में लगाने के लिए है, आप इसको समर्स में लगाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा चिपचिप ये करेगी, सॉरी, तो ये क्रीम अच्छी है, इसको विंटर्स में परचेज करने वाली हूँ मैं दोबारा। और एक है ये मेरे पास वाओ का स्किन रिवाइव नेक्टर मॉइस्चराइजर, ये मॉइस्चराइजर भी काफ़ी अच्छा है, इसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल हो गया है। एक्चुअली मेरे साथ क्या होता है ना, जैसे कि मेरे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि अब आ गई हैं गर्मियाँ, तो मैं क्या करती हूँ, जो प्रोडक्ट मेरे हाफ हाफ रह गए हैं विंटर्स के, उनको मैं रख देती हूँ और फिर मैं उनको दोबारा जब विंटर आएगा तब मैं उनको यूज़ कर लेती हूँ। इसी तरह से मैंने इसे किया था, ये मैंने लास्ट ईयर खरीदा था और मैंने इसको गर्मियों में स्किप कर दिया था, रख दिया था, तो मैंने इसको विंटर में ख़त्म किया है, तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल खाली है, ये आप देखते हैं खाली है, इसकी स्मेल बहुत अच्छी है, बिल्कुल परफ्यूम जैसी स्मेल इसमें से आती है,
और ये बहुत घंटों तक आपको नरिशमेंट देता है। आई थिंक 4-5 घंटों तक तो ये हमारी स्किन पे से जाता नहीं है, काफी अच्छा है। बट मैं इसको रिपर्चेस नहीं करने वाली हूँ क्योंकि अब वाओ में बहुत सारी चीजें आ गई हैं, इसके बॉडी बटर्स भी आ गए हैं, तो नेक्स्ट सर्दियों में मैं इसका बॉडी बटर यूज करने वाली हूँ, प्लस मामा अर्थ का तो मुझे जरूर लेना है। गाइज आप इसे प्लीज एक बार ट्राई कीजिए। आप लोग जानते ही हैं कि मेरी वीडियोज नॉन स्पॉन्सर्ड है, तो मैं इसको आपके अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। ये प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मतलब अगर आपकी ड्राई स्किन है ना तो गर्मियों में भी चल जाएगा। प्लीज इसे तो मैं कभी बंद नहीं करूंगी, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है ये। और अब मेरे पास है कुछ थोड़ी बहुत मेकअप की चीजें, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं डेली में इतना मेकअप नहीं करती हूँ, बस मेरे पास पॉन्ड्स की वाइट ब्यूटी क्रीम है उसी को लगाती हूँ, तो मेरे प्रोडक्ट इतनी जल्दी से खत्म नहीं होते हैं। और आपने देखा भी होगा मेरे नायका हॉल्स में कि या मैं पर्पल से भी कुछ मंगवाती हूँ तो मैं स्किन केयर ही ज्यादा मंगवाती हूँ, क्योंकि फेस वॉशेज वगैरह है ये सब चीजें तो आपकी डेली लाइफ में यूज होती हैं, लेकिन रोज हम फाउंडेशन वगैरह नहीं लगा सकते। मैं नहीं लगाती हूँ इतना, तो मेरे खत्म भी नहीं होते हैं, इसीलिए मैंने आपको जो इतना सारा भर भर के सामान दिखाया है ये सब स्किन केयर है, मेकअप का बहुत कम दिखाई देगा। तो ये मैंने 2-4 चीजें हैं जो मैंने इंक्लूड की है जो खत्म हो चुकी है। तो फर्स्ट है ये बीबी क्रीम, फेयर एंड लवली की अच्छी बीबी क्रीम है। अगर आप कोई अफोर्डेबल बीबी क्रीम चाहते हैं मीडियम कवरेज के लिए तो आप इसी तरफ जा सकते हैं, बहुत अच्छी है। मैं इसको दोबारा परचेज करने का सोच रही हूँ, तो ये अच्छी है। और नेक्स्ट है मेरे पास ये मेबलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा, ये सारा इसका प्रिंट उतर चुका है लेकिन ये मेबलिन का ही है, और बहुत अच्छा लाइनर है यार ये, सॉरी मैंने मस्कारा बोल दिया, बहुत ही अच्छा लाइनर है ये। मतलब अगर आप बिगनर्स है ना तो आप इसे एक बार ट्राई कीजिए, क्योंकि इसका ब्रश इतना ज्यादा पतला है, बहुत ही ज्यादा पतला ब्रश है, आपको बिल्कुल मतलब दिक्कत ही नहीं होगी। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये आप देख सकते हैं इतना बारीक सा इसका ब्रश है ना कि मतलब एकदम से आपका लग जाता है, और ये बहुत अच्छा है। इसको मैं रिपर्चेज जरूर करूंगी, क्वांटिटी थोड़ी सी कम मिलती है लेकिन प्राइस भी इतनी ज्यादा नहीं है। आई थिंक इसकी प्राइस 240 है, पता नहीं इसी तरह से कुछ है, मतलब 200-250 की रेंज में ये आता है, और उसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छा मस्कारा है, और सॉरी बार बार मैं मस्कारा बोल रही हूँ, ये बहुत अच्छा लाइनर है। और लेकिन आपका निकलेगा ये उस किसी मतलब मेकअप रिव्यू पर आपको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाटर प्रूफ है और ये बहुत अच्छा है, मतलब मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ये। तो एक ये खत्म हो चुका है, प्लस ये लिपस्टिक आप दिखाती हूँ मैं, ये है ब्लू हेवन की स्प्लैश लिपस्टिक, और इसका शेड है चॉकलेट मूड, और ये आप देख सकते हैं इसमें कि इतनी सी बची है बस, और इसका शेड बहुत ही प्यारा है, ये आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा ये खत्म हो चुकी है। और इसे मुझे नेक्स्ट मंगाना था बट ये आउट ऑफ स्टॉक दिखा रही है, क्योंकि मुझे मैं ब्लू हेवन के लिपस्टिक्स यूज नहीं करती हूँ ज्यादा, लेकिन ये वाला शेड बहुत ही ज्यादा प्रिटी है, और इसकी ये वाली रेंज बहुत अच्छी है। गाइज ब्लू हेवन की अगर आप कुछ भी अफोर्डेबल चाहते हैं तो आप ब्लू हेवन की तरफ जा सकते हैं, इस रेंज में जा सकते हैं, बिल्कुल मैट लिपस्टिक है, ट्रांसफर होती है, ज्यादा आपकी लिप्स पे टिकेगी तो नहीं, आपको बार बार टचअप करना पड़ेगा, नॉन ट्रांसफर लिपस्टिक नहीं है, लेकिन बिल्कुल मैट है। जिन लोगों को मैट लिपस्टिक पसंद है वो ब्लू हेवन की स्प्लैश लिपस्टिक की तरफ जा सकते हैं, बहुत अच्छी। और ये वाला शेड तो एक बार आई थिंक सबको ट्राई करके देखना चाहिए, चॉकलेट मूड 307, बहुत ही ब्यूटीफुल शेड है, मैं डेली में इसी को यूज करती हूँ, ये वाला शेड मेरा फेवरेट है। और नेक्स्ट मैंने जो खत्म किए हैं वो हैं ये दो मेरे फेस पाउडर, एक है लैक्मे का सन एक्सपर्ट और एक है लैक्मे मेबलिन का सुपर फ्रेश। तो ये आप देख सकते हैं ये काफी खत्म हो चुका है, और ये मैं आपको दूसरा वाला दिखाती हूँ, ये तो इतनी बुरी तरह वाला खत्म हुआ है क्योंकि मैं ये वाला बहुत यूज करती हूँ, इससे आपका फेस बिल्कुल मैटिफाई हो जाता है। और ये वाला मैंने नया भी मंगवाया है, ये बहुत अच्छा है, ये गर्मियों में आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं, और ये वाला अब नहीं मिल रहा है, अब इसकी जगह मेबलिन का फिट मी आ रहा है, उसका भी रिव्यू मैंने किया है, वो भी आप लोगों ने बहुत देखी है वीडियो, थैंक यू। तो उसका मैंने दूसरा मंगवा लिया है, तो ये दो कॉम्पैक्ट है जो कि मैंने खत्म किए हैं। तो ये है वो सारी चीजें जो कि मैंने खत्म कर दी है बिल्कुल पूरी तरह से, और आप इनमें से मैंने आपको बहुत सारी चीजें दिखाई हैं, बस कुछ ही चीजें हैं जो मैं नहीं परचेज करने वाली हूँ, बाकी अच्छी सब चीजें मुझे लगी हैं, क्योंकि मैं सारी चीजें अपने स्किन के अकॉर्डिंग लेती हूँ और बहुत ही देखभाल के लेती हूँ। ये मैं आपको बताती हूँ यार, जब पैसे डालने हैं तो चीज को 10 बार देख कर ही लेनी चाहिए, उससे कोई फायदा नहीं है कि आपने खरीद लिया और फिर वो आपकी पड़ी है, क्योंकि ऐसी बहुत कम चीजें हैं मेरे पास जो कि मैंने आपको दिखाई थी कि मेरी मतलब जो मैं यूज नहीं करती हूँ, वरना मैं सभी चीजें धीरे धीरे सब चीज यूज करती हूँ,
और आराम से कर लेती हूँ। तो आप चाहें तो इनमें से जो आपको अच्छा लगे आप परचेज कर सकते हैं। तो यही थी मेरी वीडियो, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे न्यू हैं। और सब्सक्राइब करने के बाद प्लीज अपनी नोटिफिकेशन बेल को आप चेक कर लीजिए, क्योंकि वीडियोज में अपलोड करती हूँ लेकिन आप लोग पता नहीं कितने कितने दिनों बाद देखते हैं। आप प्लीज अपनी नोटिफिकेशन बेल को चेक कर लीजिए, आपने प्रेस की है या नहीं, आपके पास नोटिफिकेशन आ रही है या नहीं। तो प्लीज वीडियो को देखिए, इतनी मेहनत से बनाते हैं यार, प्लीज देखिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।